Hello, my shivering star. I am Amika Dhaiya. Welcome you all to this amazing platform of Tutor's Theory. Our today's topic is language skills, listening and speaking. And this one is the unit 2 of our DLED first year book, English Education, Teaching of English. Okay, so in this unit, we are talking about what is the language skills, speaking skill kya hoti hai, kaise aap actively listen kar sakte ho, अवेयर होके सुनना क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स बिहाइंड बोथ दीज स्किल्स. तो वन बाय वन हम इनके बारे में जानेंगे. सो अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ इन सब चीज़ों को, इंग्लिश और स्पीकिंग को, तो देखो अगर हम कभी भी अपनी फॉर्मल एजुकेशन की बात करें या इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें या नॉर्मली आप अपनी डेली लाइफ की भी बात करोगे, तो हमें दूसरों को सुनना और दूसरों से बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी ऑल आर अ सोशल वेलबींग. तो इंट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. अब इस इंट्रैक्शन के लिए हमारे पास या तो हमारी मदर टंग है जिसमें हम बात करते हैं, या अगर बात करूं तो सेकंड लैंग्वेज है जो अब हमारे वर्ल्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज की बात मानो, या मानो कि बहुत मतलब डेवलपिंग होने वाली जो लैंग्वेज है वो हमारे सामने इंग्लिश है, जिसके लिए आप बिकॉज ऑफ इंग्लिश आप जो अदर कंट्रीज हैं उनके बहुत सारी कंट्रीज में जो इंग्लिश है उसको यूज़ किया जाता है. तो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड देर इज अ मेनी कंट्रीज विच आर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, एंड नाउ अ डेज इंग्लिश इज वेरी मच फेमिलियर विद द चाइल्ड, एंड ऑल्सो सॉरी चाइल्ड इज वेरी मच फेमिलियर विद द इंग्लिश. एंड इससे इंग्लिश जो है एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको जिसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए. आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनी मदर टंग और एनी थिंग, बट ये बात इसीलिए है क्योंकि अब जो है वर्ल्ड लैंग्वेज जो है इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं हम. तो हमारी इंट्रैक्शन की फर्स्ट थिंग यही थी, इंट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ी है. उसमें पहली जो हमारी लैंग्वेज है वो होती है हमारी मदर टंग. तो हमें अपनी मदर टंग तो सबको आती है, ये तो बच्चा जब पैदा हो जाता है अपनी सराउंडिंग को देख के तो वो अपनी मदर टंग को आराम से सीख जाता है. तो जैसे ही हम अपनी मदर टंग को सीखना स्टार्ट करते हैं, वी हैव द एबिलिटी टू टॉक, वी हैव द एबिलिटी टू लिसन, एंड इसी के साथ हमें बात करनी आती है. जब अगर आप लिटरेसी की तरफ जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो आप, तो आपको राइटिंग भी आएगी और इफेक्टिवली आपको अपनी चीज़ों को हाईलाइट करना भी आएगा. तो हमें ना हम बहुत सारी कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन में रहते हैं. वी हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट वेयर वी हैव टू इंटरेक्ट विद द पर्सन, एंड व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग विद दैट पर्सन वी नीड अ काइंड ऑफ मीडियम. दैट टाइप ऑफ मीडियम इज दैट इज आर लैंग्वेज, एंड इंग्लिश इज नोन एज आर सेकेंड लैंग्वेज. अब बात करते हैं व्हाट इज द लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव. अब हमें भाषा सिखाने के क्या उद्देश्य हैं. बेटा मैं आपको बाइलिंगुअल ही समझाऊंगी क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, बात समझने की है. तो इंग्लिश ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी भी चीज़ों को पढ़ाने के लिए समझाने के लिए लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉरी. तो हमें अपने कंटेंट को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात को पहुंचाने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई मीडियम या कोई चैनल चाहिए जिससे हमारी द गोल ऑफ इंटरेक्टिंग, द गोल ऑफ कम्युनिकेशन हैज टू बी फुलफिल्ड. तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, हमें उस गोल को अकम्प्लिश करने की जरूरत पड़ी. तो उस गोल को हम कैसे अकम्प्लिश कर सकते हैं, व्हेन वी हैव द काइंड ऑफ लैंग्वेज सपोर्ट, जब हमारे पास किसी प्रकार की भाषा का सपोर्ट रहेगा. सो यहाँ पे क्या है, क्या कहते हैं, एक्वायरिया एंड शॉर्ट, ये कहते हैं क्वालिटी लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड कॉन्टेंट नॉलेज स्किल, आइडेंटिफाई द कॉन्टेंट एरिया द स्टैंडर्ड द आस्पेक्ट अकेडमिक लैंग्वेज के, एंड रीइन्फोर्स ड्यूरिंग द टीचिंग ऑफ ग्रेड लेवल कॉन्टेंट कॉन्सेप्ट. ये क्या कह रहे हैं, हमारी जो क्वालिटी, अच्छी जो लैंग्वेज रहेगी उसकी क्वालिटी, वो हमें स्किल आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी, हमारे कॉन्टेंट एरिया को समझने में हेल्प करेगी, हमारे स्टैंडर्ड बार मेंटेन करने में हेल्प करेगी, और हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको एक ग्रेड लेवल तक पहुँचाने में भी हेल्प करेगी. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि हम क्या कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें. और सब ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, हम बोल सकें दूसरों से, हम दूसरों को सुन पाएं, हम रीड कर पाएं, रीडिंग इज आवर ऑब्जेक्टिव, राइट कर पाएं, दीज आर ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव. और क्या कर सकते हो, आप लॉजिकल परसेप्शन देना हो, दिस वन इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव. जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव को एक एक वर्ड में लिख लीजिए जो मैं लिखती जा रही हूँ. अपने आप को लॉजिकल इंक्वायरी करने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, किसी चीज के पीछे का रीजन बताने के लिए, और क्या कर सकते हो, किसी चीज को हाइपोथाइज करने के लिए. हाइपोथाइज नहीं समझ आ रहा है, हाइपोथेसिस नहीं समझ आते, इट इज अ काइंड ऑफ टेंटेटिव आइडिया. तो आप क्या कर सकते हो, किसी चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए भी हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी. हमें क्या करना पड़ेगा, वोकैबुलरी बिल्ड करनी पड़ेगी,
और हमें लैंग्वेज क्यों चाहिए? कॉम्प्रीहेंशन के लिए. कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं बेटा कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन क्या, और कॉम्प्रीहेंशन में आप क्या क्या करते हो? कॉम्प्रीहेंशन में हम क्वेश्चन पूछते हैं दूसरों से, हम एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है लर्निंग गोल स्पीकिंग. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, स्टूडेंट क्या अगर उनके जो गोल है स्पीकिंग का, बोलने का जो गोल है आ जाए बच्चों को, तो स्टूडेंट किसके एबल हो जाएंगे? सबसे पहली बात है जनरल क्लैरिटी आ जाएगी बच्चे को. जनरल क्लैरिटी ऑफ व्हाट? हाउ टू प्रोनाउंस, हाउ टू स्ट्रेस, हाउ टू इंटोनेशन, किस वर्ड पे आपको कितना आपको रुकना है, कितना स्ट्रेस आउट करना है. ऑल दे आर, मतलब जब एक बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, दे आर वेरी क्यूरियस टू यूज एंड दे आर वेरी मच इंटेलिजेंट टू यूज दैट वर्ड इफेक्टिवली. दूसरा क्या है, आप डेमोन्स्ट्रेट करना सीखेंगे, अपनी चॉइसेस बनाना सीखेंगे. वो कैबलरी में कब आपको ईडियम्स यूज करने हैं, कब आपको ग्रामर यूज करनी है, कब आप फ्रेजेस में वर्ड बात करोगे, और कब आप पूरे पूरे सेंटेंसेस का प्रयोग कर रहे हो. अच्छा, और किस लिए? पहली बात मैंने आपको बताई क्लैरिटी के लिए. क्लैरिटी ऑफ व्हाट ये आप लिख सकते हो, या अदरवाइज ना भी लिखो तो कोई बात नहीं है. क्लैरिटी ऑफ व्हाट? प्रोनंसिएशन की, स्ट्रेस की, इंटोनेशन की. देन इसके बाद मैंने आपको बताया इफेक्टिव बनाने के लिए. इफेक्टिव मतलब चॉइस इज योर्स. चॉइसफुली बनाने के लिए यूज ऑफ ग्रामर, यूज ऑफ idioms, यूज ऑफ सेंटेंस, यूज ऑफ सिंटैक्स. देन इसके बाद है आर्टिकुलेट इन द कन्वर्सेशन, कि कब आपको ऑरली चीजें बतानी है, कब आपको सपोर्ट करना है. सपोर्ट करने का मतलब जैसे मैं ये चीजें आपको समझा रही हूँ तो मैं सिर्फ बोल के भी बता सकती हूँ. वट इज द नीड टू राइट इट डाउन? तो मैं अपने जो भी मैं बात बताना चाह रही हूँ आपको, जो मैं आपको एविडेंसेस दे रही हूँ, या मैं आपको जो अपने इंटरेक्ट कर रही हूँ, मैं उसके सपोर्ट में कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ. तो जिससे ये मतलब मेरी भाषा के साथ साथ, एक लैंग्वेज के साथ साथ, एक रिटन लैंग्वेज का भी मैं क्या बना रही हूँ, सपोर्ट ले रही हूँ. तो आर्टिकुलेट इन कन्वर्सेशन मतलब आप जो भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो उसको सपोर्ट कर पाओ, रिकग्नाइज कर पाओ. मतलब रिकग्नाइज में सिर्फ आपकी वर्बल मिस्टेक्स को नहीं, रिकग्नाइज करने का मतलब है आप चीजों को, आपकी वोकैब बिल्ड हो जाए, मतलब आप वर्ड्स को रिकग्नाइज कर पाओ. ओरल प्रेजेंटेशन दे पाओ, मतलब आप प्रसुएड कर पाओ कैसे जनता से बात करनी है, कैसे दूसरे लोगों को उनकी इन्फॉर्मेशन को भी ग्रास्प करना है. साइट एग्जांपल, आप एग्जांपल दे पाओ कन्वेंशनल या एकेडमिक, जिस भी इंटीग्रेट होकर आप काम कर सकते हो. एंड आप चीजों को लॉजिकली एंड ग्रेसफुली यू हैव टू बी पुट इन फ्रंट ऑफ द अदर. देन आते हैं लर्निंग गोल्स. लिसनिंग स्टूडेंट विल बी, अगर बच्चे लिसनिंग के योग्य हो जाएंगे तो क्या गुण होंगे? चीजों को अंडरस्टैंड कर लेंगे, डिस्कस कर पाएंगे, इवन दे कैन डिलीवर द लेक्चर्स और कॉन्वर्सेशन विद अदर, डिबेट कर पाएंगे, डिस्कशन कर पाएंगे. उनके अंदर क्वेश्चन पूछने की क्षमता क्या होगी? दे आर एबल टू आस्क द क्वेश्चन, दैट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, अगर अच्छी भाषा उनके पास होगी. रिस्पॉन्ड अच्छे से कर पाएंगे, स्पीच दे पाएंगे, मैंने अभी बोला था आपको, डिस्कशन कर पाएंगे, डिबेट कर पाएंगे. क्लासरूम लेसन जो भी उन्हें मिल रहे हैं उनके नोट्स बना सकते हैं. अगर अच्छी लैंग्वेज होगी हमारे पास तो हम अच्छा सुन पाएंगे तो हम लिख भी पाएंगे, और अपने जो भी आइडिया है उनसे डिलीवर कर सकते हो और उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हो. इसके बाद आता है फर्स्ट कंसेप्ट, ये तब था, ये मैंने अभी तक क्या बताया, कॉन्सेप्ट नहीं बताया मैंने. स्टूडेंट्स आर एबल टू, मतलब अगर बच्चे को ये आ जाए तो स्टूडेंट्स क्या करने के एबल हैं. नेक्स्ट आता है हमारा लिसनिंग एंड द कंसेप्ट. कॉन्सेप्ट ऑफ लिसनिंग क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट एज एन असेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय मेनी डिसिप्लिन्स. मतलब हमारा लिसनिंग क्या है? जब आप एक्नॉलेज कर रहे हो, आप किसी चीज को ग्रास्प कर रहे हो, आप किसी चीज के लिए कंसर्न्ड हो, या किसी चीज को आप क्या कर पा रहे हो, आपके सामने वो चीज आई और आप उसको आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो. तो एक्नॉलेज करना और उसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना किसके लिए? डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ के. तो लिसनिंग इज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड एज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग केयर एंड इट्स बेनिफिट हैव बीन डॉक्यूमेंटेड इन द नर्सिंग लिटरेचर. विच मीन्स क्या कह रही हूँ मैं यहाँ पे, कि ऐसे डॉक्यूमेंट बना पाओ जिसमें आप अपनी क्यूरियसिटी को नर्चर कर पाओ और डॉक्यूमेंटेशन कर पाओ, क्योंकि हम सुनेंगे तभी तो हम चीजों को लिख पाएंगे. और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आप मुझे सुन पा रहे हो तभी तो चीजें समझ पा रहे हो, नहीं तो लिखा तो आपके सामने भी है. उसके बाद है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिसनिंग की. लिसनिंग की और कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, वी हैव टू शो द एम्पैथी. सबसे पहली चीज हमें साइलेंस रखना होता है. अगर आप कोई भी चीज सुनने जा रहे हो ना तो पहले चुप रहो, उसको सुनो, उसके बाद एम्पैथी. अगर आप किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन सुन रहे हो तो उसके स्थान पे अपने आप को रख के देखना है, अटेंशन देनी है. मतलब आप जो भी सुन रहे हो तो यू हैव टू बी एक्टिवली पार्टिसिपेट टू रिसीव दैट इंफॉर्मेशन. एंड उसके बाद क्या है, आप वर्बली कम्युनिकेट कर सकते हो या नॉन वर्बली भी कर सकते हो. यहाँ पे आप कहोगे मैम हम तो सुन रहे हैं, तो सुन रहे हो तो आप हाँ कर सकते हैं,
यस बोल सकते हैं या गर्दन हिला सकते हैं, तो वर्बली या नॉन वर्बली आपको अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना है। उसके बाद जब भी आप सुन रहे हो तो सबसे पहले पूरी बात सुनने तक आप जजमेंटल नहीं रहोगे, नॉन जजमेंटल रहोगे, और सबसे पहले जो भी वो चीजें बता रहे हैं उसे एक्सेप्ट करो, आफ्टर दैट आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो लिसनिंग क्या हुई, लिसनिंग में क्या है, हमारी ऐसी स्किल्स को नर्चर करने की कोशिश की जा रही है जिससे बच्चा क्या कर पाए, अपनी लिसनिंग की स्किल्स और अच्छे से चीजों को ग्रास्प कर पाए। तीन मेन टाइप्स ऑफ कॉमन इंटरपर्सनल रिलेशन क्या है, इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग, लिसनिंग टू लर्न, जिसमें बच्चा सिर्फ सुन ही क्यों रहा है, क्योंकि उसे लर्न करना है। जैसे अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो, देन यू आर लिसनिंग टू लर्न, आप लर्न करने के लिए ही सुन रहे हो चीजें। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिटिकल लिसनिंग, लिसनिंग टू इवेल्युएट। क्रिटिकल करने का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी जजमेंट देते हो, जब आप चीज को असेस कर लेते हो, अपना लॉजिकल परसेप्शन उसके लिए दिखाते हो, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी इंटरपर्सनल है। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल ध्यान रखना, दो टाइप की होती हैं। इंट्रापर्सनल होता है व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर सेल्फ, आप मन मन में बातें कर रहे हो, आप मन में खुद से बातें कर रहे हो, तो ये हमारी इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल आ जाएगी। और इंटरपर्सनल, इंटर का नाम आते ही समझ जाओ कि हम दूसरों के थॉट्स शेयर कर रहे हैं, दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और चीजों को एनालाइज करने के लिए, उनको तोड़ तोड़ के समझने के लिए, अगर इफ समथिंग इज कॉम्प्लेक्स। थेरेपेटिक और एम्पैथेटिक लिसनिंग, मतलब लिसनिंग टू अंडरस्टैंड द फीलिंग। थेरेपेटिक, थेरेपी करना होता ही क्या है, दूसरे का इलाज करना। और एम्पैथी क्या होता है, वी हैव टू पुट आर सेल्फ इन समवन्स शूज, ठीक है, दूसरे की फीलिंग्स और इमोशन को समझना। तो तीन टाइप ऑफ इंटरपर्सनल लिसनिंग स्किल थी। अब इम्पॉर्टेंस क्या है लिसनिंग स्किल का, सबसे पहले लिसनिंग स्किल से आपकी क्या बढ़ेगी, फिजिकल एबिलिटीज इनहेंस होगी, मतलब आप चीज़ों को सुन पाओगे तो आपकी आपकी सुनने की शक्ति भी इनहेंस होगी। और दूसरा, यहाँ ये मतलब नहीं है कि आज आप बातें सुन रहे हो तो आपको बहुत ऊंचा सुनने लग जाएगा, आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें सुन ने लग जाएंगे, नहीं, फिजिकल एबिलिटी का मतलब है कि आपको ये पता चलता रहेगा, यू आर एबल टू लिसन, मतलब आपकी जो लिसनिंग एबिलिटी है वो ठीक है। दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, आप सिग्निफिकेंस दिखा सकते हो, मतलब आपका लिसनिंग का बहुत सिग्निफिकेंस है कि आप चीजों में इंगेज होना चाहते हो, पार्टिसिपेट करना चाहते हो। हियरिंग का मतलब ये नहीं है कि वर्ड आप सिर्फ कुछ भी सुने जा रहे हो, आप ग्रास्प भी कर रहे हो, ठीक है, आप चीजों को अपने सेंसेस यूज कर रहे हो, उसे ग्रास्प कर रहे हो, और आफ्टर दैट वी आर रिस्पॉन्डिंग, आफ्टर हियरिंग वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड। अब इस लिसनिंग में प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या करोगे, आप रिसीव करोगे, देन अंडरस्टैंड करेंगे। पहले तो आपको कोई बता रहा है तो आप सुनोगे, फिर उसे समझोगे, फिर उसे इवेल्युएट करोगे, फिर याद रखोगे, एंड इसके बाद रिस्पॉन्ड करोगे कि किसी ने मुझसे क्या बात की है। तो ये आपका मैसेज किसी भी प्रकार से हो सकता है, और इसके लिए आपको रिस्पॉन्डिंग करने के लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वी हैव टू बी एक्ट वर्बली और नॉन वर्बली। इफेक्टिव इंगेजिंग विद ऑल फाइव स्टेजेस ऑफ लिसनिंग, मतलब आपको इफेक्टिवली इन पांचों स्टेज पे रहना है। ये कहीं नोट भी कर लो कि हमें सबसे पहले रिसीव करना है, रिसीव करने के बाद जो भी हमें बताया गया है हम उसे समझने की कोशिश करेंगे, देन हम उसे इवेल्युएट करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, इसके बाद हम उसी चीज को रिमेम्बर करेंगे, याद रखेंगे, एंड आफ्टर दैट हम उस चीज के लिए रिस्पॉन्ड करेंगे। टाइप्स ऑफ लिसनिंग, दो प्रकार के लिसनिंग है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव लिसनिंग नाम से समझ आ रहा होगा, व्हेन वी आर लिसनिंग एक्टिवली वी आर इंगेजिंग विद द स्पीकर, और व्हेन वी आर नॉट इंगेजिंग विद द स्पीकर तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, पैसिव लिसनिंग हो जाएगी। जब आप क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे हो, सुन रहे हो चीजों को, तो वो आपकी क्या है, पैसिव लिसनिंग है। और जब आप रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो तो वो आपकी क्या है, एक्टिव लिसनिंग है। तो एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, जिसमें जो लिसनर है प्रोवाइड द फीडबैक, साथ साथ फीडबैक दे रहा है, अपने वर्ड्स में चीजों को समझ रहा है, अपने पास ग्रास्प कर रहा है, उन्हें अंडरस्टैंड कर रहा है, और उनपे क्या कर रहा है, इसे उनपे क्या कर रहा है, रिएक्ट भी कर रहा है। अब इसके फायदे क्या क्या होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। अगर आपके बीच में, किसी के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपके पार्टनर के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो तभी खत्म हो पाएगी जब व्हेन वी आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से डिस्कस कर पाएंगे, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द, वी आर एबल टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दैट प्रॉब्लम, एंड देन इसके बाद हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाएंगे, रिलेशनशिप बिल्डअप होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी, कॉपरेशन बढ़ेगा, एंड अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। तो when we are engaging in a particular speaker, there is a several degree of listening. यहाँ पे भी क्या है, मतलब आप कैसे listen कर रहे हो, आप बार बार repeat करा रहे हो चीजों को, paraphrasing करा रहे हैं, या सीधा reflect कर रहे हैं। तो degree क्या है, repeat, paraphrasing and reflecting। सबसे पहला है repeat करने का मतलब perceive करो, जो भी बता रहे हैं आप उसे receive करेंगे, अटेंशन शो करो, याद रखो, एंड रिपीट द मैसेज यूजिंग एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज द स्पीकर। और मान लो मैंने आपको कहा कि लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग इज अ काइंड ऑफ लिसनिंग इन विच द लिसनर इज इंगेजिंग इन दैट एक्टिविटी,
आप मुझे उधर फोन पे सुन रहे हो तो आप कह रहे हो कि मैम लिसनिंग इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी इन विच द लिसनर इज एंगेजिंग विद दैट एक्टिविटी, तो ये मेरा रिपीटिंग हो जाएगा. पैराफ्रेजिंग क्या है? रिसीव करना, सबसे पहली बात तो ये है, रिसीव करो, अटेंशन पे करो, रिमेम्बर करो, रीजनिंग लगाओ उसके ऊपर, अपना दिमाग लगाओ कि क्या कहा मैम ने. इसके बाद रेंडरिंग द मैसेज यूजिंग सिमिलर वर्ड फ्रेज एंड अरेंज एज अ स्पीकर. क्या कर रहे हैं कि हमें अपने शब्दों को अपने अनुसार रीअरेंज करके बताना है. इसमें आप क्या कहोगे कि मैम एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन द जो लिसनर है, लिसनर इज एक्टिवली रिस्पॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग दैट सिचुएशन, दैट इज नोन एज एक्टिव लिसनिंग. तो ये हमारे एक्टिव लिसनिंग हो जाएंगे. अगर मैं रिफ्लेक्टिंग की बात करूँ तो इसमें क्या होगा, परसीव करोगे, अटेंशन पे करोगे, याद भी रखोगे, लॉजिकल रीजनिंग भी बताओगे, थिंक भी करोगे. रेंडरिंग द मैसेज यूजिंग योर ओन वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. यहाँ पे आप क्या कहोगे कि मैम एक्टिव लिसनिंग एक ऐसी लिसनिंग होती है क्या जिसमें जो हमारा लिसनर है वो क्या कर रहा होता है, चीजों को समझ रहा है, कॉम्प्रीहेंड कर रहा है, आफ्टर दैट उसे हाँ हूँ करके चीजें बता रहा है, नॉन वर्बली वर्बली एक्सप्रेस कर रहा है. तो यहाँ पे आपने मेरे बताए हुए शब्दों को एग्जैक्टली रिपीट नहीं किया है या उन्हीं शब्दों से रीफ्रेज नहीं करा है, आपने अपने शब्दों के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली उन पर रिएक्ट करा है. तो आई थिंक आपको तीनों डिग्री समझ आ गई होंगी, रिपीटिंग व्हेन यू आर परसीविंग, पेइंग अटेंशन, द रिमेम्बरिंग, एंड आफ्टर दैट आप उनको रिपीट कर देते हो सेम. एंड पैराफ्रेजिंग क्या होती है? Perceiving, paying attention, remembering, logically and thinking, and इसके बाद आप उन्हीं शब्दों का यूज करके उन्हें पैराफ्रेज कर लेते हो. और हमारा क्या होता है तीसरा, रिफ्लेक्टिंग, जिसके अंदर आगे के स्टेप तो सेम ही है, लॉजिकल रीजनिंग इज ऑल्सो सेम, बट यू आर यूजिंग ऑन वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट आता है पैसिव लिसनिंग, जिसके अंदर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, वो आपको क्या कह रहे हैं, कैसा कह रहे हैं, आप क्या करते हो, बस उसे चुप होके सुन रहे हो. तो समटाइम पैसिव लिसनिंग इज अ काइंड ऑफ लिसनिंग इन विच वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट सिचुएशन और दैट वन, बट वी आर लिसनिंग क्वाइटली, जिसके अंदर आप चुप बैठ के सिर्फ सुन रहे हो. बहुत सारे बच्चे जैसे होते हैं लेक्चर्स में बहुत चुपचाप बैठ के सुन रहे होते हैं, ठीक है. समटाइम्स जैसे आई ऑल्सो हैव द मैनी पैसिव लिसनर्स जो सुन लेते हैं लेक्चर पूरा, ऑब्जर्व कर जाते हैं, पूरा देख जाते हैं, दे आर ऑल्सो मेकिंग द नोट्स, बट मुझे कभी भी कमेंट करके या लाइक करके ये नहीं बताते कि मैम वी आर अंडरस्टैंडिंग योर कॉन्सेप्ट, योर कंटेंट. बहुत ऐसा होता है, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि वीडियो पे व्यूज गए हुए हैं 1000+ या 500+ या 300+, या चलो छोटे से छोटे व्यूज की बात कर लेती हूँ कि 50+ या 100+ व्यूज हैं. अगर वो इतने व्यूज हैं तो वो इतने लाइक्स कैसे नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं? इट मींस या तो आपको मेरी चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, इफ देयर इज अ लैकिंग तो मुझे साथ साथ बताइए कि मैम आप ये कमी रह रही है या ये चीजें आप इम्प्रूव कर सकते हो. आई विल टेक इट, आई विल नॉट टेक इट एज अ क्रिटिसिज्म, बट मैं अगर क्रिटिसिज्म लेती भी हूँ तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट क्रिटिसिज्म कि अगली बार ये क्रिटिसिज्म ना हो. सेकेंडली, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, देन व्हाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग? इसका भी मुझे आंसर आप जरूर देके जाओगे कि आज तक अगर आपने कमेंट किए हैं तो वो क्यों किए हैं, मतलब रीजन बिहाइंड दैट कि आप आज तक कमेंट कर रहे हैं या आज भी कमेंट करोगे तो क्या रीजन है. इफ यू आर नॉट कमेंटिंग एनी मोर, या फिर आपने पहले से ही कमेंट नहीं किया है, तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट कि मैम हम तो इसलिए कमेंट नहीं करते थे क्योंकि हमें तो वीडियो अच्छी नहीं लगती, बस हमें तो ये है कि हमसे पढ़ा नहीं गया, मेट्रो में बैठे आप जाते जाते सुन लेते हैं. If this is the reason, okay. So what is the passive listening? तो passive listening क्या होता है? जिसमें आप without respond करके quietly बैठे हुए आप सुन रहे होते हैं उन चीजों को, तो आप उन्हें passive listening बोलोगे. Passive listening में speaker बोलता रहता है, आप उसे सुनते रहते हो. जैसे बहुत अच्छा example है हमारे news channel. हम गाने सुन लेते हैं कान में लगा के, लीड्स वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह, जिसमें भी क्या हो रहा है, हम पैसिव लिसनर की तरह सब सुन रहे हैं बैठ के, हम उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ना ही हम अपनी कम्युनिकेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो जो हमारे एक्टिव लिसनिंग के फायदे थे ना, यहाँ पे वो नुकसान होने वाले हैं. सो पैसिव लिसनिंग में क्या होगा और क्या हो जाता है, मतलब आप कई बार हम पैसिव लिसनिंग करते हुए भी हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि हम कन्वर्सेशन करना चाहते हैं या सिर्फ सुनने के लिए बैठे हैं. एक्टिव लिसनिंग में आपका पार्टिसिपेशन होता है, यहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ठीक है. एक्टिव लिसनिंग में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होते, आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है एक्टिव लिसनिंग में, एंड पैसिव लिसनिंग से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं इंक्रीज होता. How to improve the your passive listening skill? देखो हमने active listening skill की तो stages की बात करी है कि हम repeat कर रहे हैं,
पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. अब पैसिव लिसनिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इफ यू आर अ पैसिव लिसनर तो कैसे काम करोगे. सबसे पहले एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. चेक आउट द माइकल विलियम्स क्या कहते हैं. आई हर्ड अ कोट रिसेंटली दैट सेड समथिंग टू द इफेक्ट ऑफ वी लिसनर्स टू रिस्पॉन्ड. हम देखो हम सुनी क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें रिस्पॉन्ड करना है, तो आपको भी रिस्पॉन्ड करना है. नॉट टू अंडरस्टैंड. बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ चीजें सुन रहे हैं क्योंकि हमें रिस्पॉन्ड करना है भाग भाग के. मान लो किसी से मेरे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रखे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ जाके, मतलब वो कुछ भी बोल रहा है, अच्छे से अच्छी बात बोल रहा है, गलत से गलत बात बोल रहा है, बस मुझे उसे क्या नेगेटिव में ही बात करनी है. और एक मेरा दोस्त है, चाहे वो मेरे लिए बुरा कर रहा है, कुछ कर रहा है, मुझे बस उसके फेवर में बात करनी है. तो क्या कहते हैं हमारे माइकल विलियम्स, ये कहते हैं कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो सिर्फ आप किस लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए सुन रहे हो, अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं, तो वो हमारी पैसिव लिसनिंग ही कहलाएगी. और क्या कहते हैं हमें क्या करना होगा, फोकस करो. सबसे पहले अगर आप कुछ भी सुन रहे हो, मान लो आप गाने ही सुन रहे हो. बहुत बार क्या होता है कि हम ना गाने किस लिए सुन रहे होते हैं कि हमें ना म्यूजिक अच्छा लगता है. ट्राई टू लिसन द वर्ड्स. देन आते हैं पोजिशन. मतलब पोजिशन, जब आप मान लो आपके सामने स्पीकर बैठा हुआ है तो आप कैसे बात कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को लिमिट कर रहे हो या अपनी बॉडी की एक्स्ट्रा मूवमेंट करते जा रहे हो, तो हमारी अटेंशन कैसी है हमारी. देन आता है साइलेंस, कि हम चुप होकर सुन रहे हैं, बोलते रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ और काम में इंडल्ज हैं. इसके बाद इनहेंस्ड फोकस. अब जब आपका फोकस हो गया है तो आपको इस लेवल पे अपने डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर देना है. जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, तो आप अगर इफ यू आर स्टडिंग, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्सेप्ट, तो आप अपनी फेसबुक को अलग रख दोगे, इंस्टाग्राम को अलग रख दोगे, व्हाट्सएप को अलग रख दोगे, क्योंकि आपको पता है आपको ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो आपको और फोकस को इनहेंस करना है. ठीक है, इंट्रैक्शन को, डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है. एंड लीन इन, मतलब बहुत बार हम जब सुन रहे होते हैं ना, तो ऐसे हम झुक जाते हैं, अपनी बॉडी को झुका जाते हैं. तो लीन इन करने का मतलब है कि वी आर ट्रूली इंगेजिंग विदाउट रिस्पॉन्डिंग भी, हम ट्रूली इंगेज हो सकते हैं हम उसकी तरफ. देन आता है हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन एक्टिविटी की. इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे ऑन द बिहाफ ऑफ, मतलब अगर हमने कुछ पढ़ लिया, कुछ समझ लिया, तो हम बाद में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. एंड पैसिव लिसनिंग में ये है, आपके जो अच्छे रिलेशनशिप तभी बन पाएंगे जब आप बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्ड क्या कर रहे हो, बहुत एक्टिवली सुन रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और उसके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज से झलक जाएंगी. अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है. विल डेवलप द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू, क्या नोट्स बनाने की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, डिस्टिंग्विश और आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल क्लूज को समझ पाएंगे. कई बार आपके बहुत सारे क्लूज आपके क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं. आप जैसे मैं समझा रही हूँ, तो आप मेरी टोन से समझ आ रहा होगा कि आई एम ट्राइंग टू कि आप समझ जाओ इन चीजों को. आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड कि आप इन चीजों को समझ जाओ. बहुत बार मैं चुप हो जाती हूँ या स्ट्रेस करने की कोशिश करती हूँ किसी शब्द पे, तो इससे भी आपको समझ आ रहा होगा कि मेरी बॉडी लैंग्वेज ये दिखा रही है आपको कि हमें इन चीजों को समझना है. हमारी टोन क्या है, हमारा पर्पज क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम चीजों को प्रिडिक्ट कर पाएंगे और हम अच्छे से लिसनिंग कर पाएंगे, तो हम ऑरली भी अपने आप को बिल्डअप कर पाएंगे. मतलब हमारी वो कैप भी बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगी, लिटरेसी बढ़ेगी हमारी, हम चीजों को इवेल्युएट कर पाएंगे, परफॉर्मेंस को इनहेंस कर पाएंगे और हमारी एकेडमिक इंटीग्रिटी भी बनेगी. देन आता है रोल ऑफ लिसनिंग इन ऑरल एक्सप्रेशन, टाइप ऑफ लिसनिंग, पैसिव एक्टिव. ये मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले पैसिव लिसनिंग होती है, एक्टिव लिसनिंग होती है. अब ऑरल की, ऑरल एक्सप्रेशन क्या बढ़ेंगे, ऑरल कम्युनिकेशन स्किल, बोलने की हमारी कम्युनिकेट करने की स्किल बढ़ेगी. व्हेन वी हैव टू पोज, व्हेन वी हैव टू टॉक, कब आपको मिनी लेसन्स देने हैं, कब आपको लार्ज स्केल पे बात करनी है, आप असिस्ट कैसे करोगे एज अ टीचर. अब फेशियल एक्सप्रेशन को भी समझ पाओगे. इंपॉर्टेंस ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन स्किल, हमारी ऑरल कम्युनिकेशन स्किल के क्या फायदे हैं. अकॉर्डिंग टू ऑन्ट्रियो करिकुलम फॉर लैंग्वेज ग्रेड 1-2, ये क्या कहते हैं कि हमें सबसे पहले, अगर मैं ग्रेड की बात कर रही हूँ, पढ़ाई लिखाई की बात कर रही हूँ, तो हमारी लिटरेसी बढ़ाना और हमें एक ऐसी लैंग्वेज प्रोवाइड करना जिसमें आप सोच सको और जिसमें आप लर्न कर पाओ. सो थ्रू टॉक हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन इनहेंस होगी, हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, एक्सपीरियंसेस शो कर पाएंगे, अपने ओपिनियंस दे पाएंगे, अपने थॉट्स दूसरों के सामने रख पाएंगे, इवन हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो किसी भी चीज़ के लिए. तो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल से आपकी सोशल क्वालिटीज भी इनहेंस होगी. कहाँ पे, आपके घर में, आपकी कम्युनिटी में, आपके नेबरहुड में और आपके स्कूल में. देर आर द 3 पार्ट एक्टिव लिसनिंग के क्या हैं. पहले सुनो, स्ट्रेटेजिकली सुनने की कोशिश करो, फोकस करके, कॉन्सेंट्रेट करके, लीन इन होके सुनने की कोशिश करो. देन आते हैं स्पीकिंग. उसके बाद अपनी अप्रोप्रिएट लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो क्लैरिटी शो करने के लिए कि आपको वो चीज़ें समझ आ रही हैं. एंड आफ्टर दैट आपको रिफ्लेक्ट करना है, मतलब आपको कुछ चीज़ें इंप्रूव करने के लिए बतानी है, एनालिसिस करनी है, तो आप दिखा सकते हो. तो जब भी हमें टीच कराना है किसी चीज़ पे, जब आप बोल रहे हो, तो बच्चों के अंदर लिसनिंग के स्किल्स को ज़रूर क्या कराना है, इम्प्रूव कराना है बच्चों के सामने. इसके बाद आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लिसनिंग स्किल.
थ्रू द यूज ऑफ फिल्टरिंग. फिल्टरिंग का मतलब है हमें कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, हमें सिर्फ सिंपली वही यूज करने हैं और हमें इधर उधर की बातें कुछ भी यूज नहीं करनी है. हॉट वर्ड क्या होते हैं? वैसे वर्ड जिनका मीनिंग जो है क्या होता है, छिपा हुआ आता है. मतलब उनका मीनिंग उनके मैसेज के अंदर छिपा हुआ था. वी हैव द सर्टेन वर्ड दैट विल रिएक्ट टू सम टाइम व्हेन अ स्पीकर यूज अ हॉट वर्ड इन हर मैसेज विल कॉन्सेंट्रेट मोर. जब हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके उन चीजों को समझने की कोशिश करनी होती है. इसके बाद है डे ड्रीमिंग. हाँ, डे ड्रीमिंग, अगर आप सुनने बैठे हो और आप ड्रीम ही कर रहे हो तो आपका ध्यान ही नहीं है, तो इससे भी आपका मैसेज अच्छा डिलीवर नहीं होगा. रिहर्सिंग, जब भी आपको बोलना है किसी के सामने जाके तो आप रिहर्स करोगे. एंड इसके बाद शॉर्ट अटेंशन स्पैन. समटाइम देयर इज अ लिसनर हु हैव द शॉर्ट स्पैन ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग, कि वो बहुत कम ऐसे स्पैन तक कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं किसी की बात को सुनने के लिए. नेक्स्ट आते हैं स्पीकिंग स्किल पे कौन से फैक्टर करते हैं. लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, सबसे पहले आपने जो भी सुना उसको आप कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो या नहीं. क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो जब भी आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज होगी, आपकी जो भी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, आप उसी में कॉम्प्रीहेंड करते हो. तो हमें असेस करने के लिए अपने आप को ऐसे मोल्ड करना होता है. मान लो मैं बहुत सारी वर्ड इंग्लिश में बोल रही हूँ बट आप समझ कैसे रहे हो, जिसका मीनिंग आपका दिमाग निकाल पा रहा है. अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन, कि आप जो नॉन नेटिव लैंग्वेज है उन्हें मिस प्रोनाउंस करते हैं कई बार. जैसे द इंग्लिश वर्ड रियली, इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज रियली, रिलाय रियली ही बोला जाएगा. इसके बाद है द इंग्लिश वर्ड रीड, समटाइम इसे रेड बोला जाता है, सॉरी रीड रेड रेड, ठीक है. तो और कई बार इसे रीड बोला जाता है, ओके जैसे सेकेंड डिग्री लगती है. देन आता है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, यहाँ पे आता है नाउन की एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. देखो कई बार हम ग्रामेटिकल भी एक्यूरेसी नहीं कर पाते, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शीप्स, तो बेटा शीप्स नहीं होता, कभी भी शीप ही होता है, जिसका मतलब क्या होता है हमारे पास, भेड़ों का झुंड. इसके बाद प्रोनाउंसिएशन की बात करूँ, किसकी प्रोनाउंस की, करूँ तो देखो एक वर्ड दे रखा है एवरीबडी हैव देयर वर्क टू डू. देखो एवरीबडी इज अ सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर में यूज होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हैज लगाना पड़ेगा यहाँ पे. और भी एग्जाम्पल हैं तो ये आप देख लेना, देखो पढ़ ही देती हूँ. खैर, आई वॉच्ड अ मूवी विद माय वाइफ लास्ट नाइट, ही लाइक्ड इट वेरी मच. क्या किसी की वाइफ ही हो सकती है, वो शी रहेगी, तो शी लाइक्ड इट वेरी मच. एडजेक्टिव एग्जाम्पल, अब आप सेम जेंडर मैरिजेस की बात मत करने लग जाना. एडजेक्टिव एग्जाम्पल में है ही, शी इज द मोस्ट फेयरेस्ट गर्ल आई एवर सीन. फेयरेस्ट अपने आप ही ये थर्ड डिग्री है, मतलब कंपैरिजन की पहली ही सुपरलेटिव डिग्री है, तो आप मोस्ट कैसे लगा सकते हो. फेयरेस्ट का मतलब ही होता है जो सबसे ज्यादा सुंदर, तो मोस्ट हम यूज नहीं कर सकते, तो ये एडजेक्टिव मिस्टेक्स हैं. इसके बाद ये एडजेक्टिव के एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ. इसके बाद आता है एक्सेंट न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन. एक्सेंट क्या होता है, कैसे आप यूज करोगे, तो कैसे हमें चीजों को इलेबरेट करना है, इंग्लिश को आप कैसे बोल पाओगे, तो वो हमारा एक्सेंट कहलाता है. एक्सेंट क्या होता है, यूजुअली रिफ्लेक्ट द प्लेस वेयर अ पर्सन कम फ्रॉम. जैसे अमेरिकन एक्सेंट अलग होगा, इंडियन एक्सेंट अलग होगा, फिलिपियन एक्सेंट अलग होगा. आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं वो इंग्लिश ही बोल रहे हैं बट आपको समझ नहीं आ रही है. तो इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन कि कोई बंदा कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, ठीक है. तो हम एक्चुअली एक्सेंट का मतलब क्या होता है, बहुत बार हम अपना एक्सेंट चेंज भी कर देते हैं, एक्सेंट बोल रही हूँ बेटा मैं, और हम कई बार ऐसे होता है न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, मतलब हम एक्सेंट को कोई यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट वर्ड को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं. आफ्टर दैट हमारी स्पीकिंग स्किल इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि आपकी वोकैबुलरी कैसी है. वोकैबुलरी का मतलब आपके पास वर्ड कितने हैं. कई बार आप क्या करते हो, कई मैंने बोला एक्सेप्ट तो बच्चे ऐसे लिख रहे हैं, दिस इज द डिफरेंट मीनिंग, ये डिफरेंट मीनिंग है. तो जब भी आप नए सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कर रही हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे शब्द यूज करने हैं. एंड इफ वी हैव द लार्जर वोकैबुलरी तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स हैं टू यूज. अब देखो हमारे पास एक व्हील है, जैसे सैड, सैड में कौन सा आ जाएंगे, गिल्टी, अशेम्ड, डिप्रेस्ड, लोनली, बोर्ड, स्लीपी. इसका क्या आ जाएगा, गिल्टी का बेशफुल, अशेम्ड स्टूपिड है, डिप्रेस्ड है तो मिजरेबल कंडीशन आ गई, लोनली है तो इनएडिक्वेट है, बोर्ड है तो इन्फीरियर है, स्लीपी है तो एथेटिक है, ठीक है. तो ये डिपेंड करता है कि हम कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं और उन वर्ड के साथ कौन कौन से वर्ड जुड़े हुए हैं. जैसे मैड है, क्यों पागल हो रहा है, हर्ट हुआ है, हॉस्टाइल, किसी ने पकड़ लिया है, एंग्री, गुस्सा है, रेज है, मतलब जिन्हें ये माना जाता है कि अग्रेसिव है. इसके बाद हेटफुल है या क्रिटिकल है, ओके.
देन आता है इंग्लिश फ्लुएंसी. इट ऑल्सो डिपेंडिंग, आपकी स्पीकिंग तो ऑब्वियसली डिपेंड करती है हाउ मच यू आर फ्लुएंट टू स्पीक इन. आपको इस लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, आप उसमें कितने ज्यादा फ्लुएंट हो. कई बार हम क्या करते हैं, इफ यू आर नॉट फ्लुएंट, या आपको किसी चीज का रिप्लाई भी नहीं करना होता, तो आप एक मैसेज भेज देते हो. हम ये वर्ड आपको क्या दिखा रहा है कि आप या तो फ्लुएंट नहीं हो या फिर आप बोलना नहीं चाहते हो. तो अगर हमारी फ्लुएंसी अच्छी होगी तो हमारी स्पीकिंग भी अच्छी होगी. स्पीक विद एंथुजियाज्म व्हेन यू आर स्पीक सॉफ्टली एंड वी आर स्पीकिंग. बहुत ज्यादा स्पीड से बात नहीं करते हम, तो एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर स्पीकिंग ऑन. तो हमें अपनी चीजों, अपनी वॉल्यूम को देखना है, कब हाई पिच रखना है, कब लो पिच रखना है, कैची कैसे बनाना है, अच्छे वर्ड कैसे यूज कर सकते हो, इम्पैक्टफुल कैसे रहना है दूसरे पे. तो इट ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन कि हम कैसे बात कर रहे हैं. Next is the length of answers. Sometimes the speaking skill also depending on the answer. If there is a open-ended answer, so the listener, the speaker can speak accordingly. If their question is not an open-ended, so close-ended में कई बार the exact word सोचने में time भी लग जाता है. Okay? It also depending on the detail of that answer. Then आता identification of sounds, tones, syntax. Syntactic pattern, syntax होता है जब आप किसी चीज को रूल में बांध लेते हो. देन आता है इन्फॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्डिंग. देखो इंग्लिश अल्फाबेट में हम सबको पता है इंग्लिश अल्फाबेट्स के कितने लेटर्स हैं. देर आर 26 लेटर्स और उसमें से 5 वॉवल्स हैं A E I O U एंड इसके बाद और 25 कह रही हूँ 21 कैसे हमारे कॉन्सोनेंट है. बट इन सबको भी बोला अलग अलग जाता है. कोई बोलेगा इसे शेड्यूल, कोई बोलेगा स्केड्यूल. तो देखो हमारे इनके जो बोलने की एक्सेंट है वो चेंज है, दूसरा इनकी टोन भी चेंजेस है. तो हमारे कुछ साउंड ऐसे होते हैं, द साउंड्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, हमारे जो लेटर्स हैं उनके जो साउंड्स हैं, हम कैसे बोलते हैं उन शब्दों को, तो वो हमारे फोनिम्स कहलाते हैं. दस वाटर हैज द टू सिलेबल दैट फोर फोनिम्स, जैसे वॉट ऐसे हमारे दो हमारे सिलेबल्स हैं इसके अंदर और हमारे चार हमारे क्या है फोनिम्स हैं. इनफोर्नी हैज द थ्री सिलेबल, जैसे इनफोर्नी, तीन सिलेबल हैं इसके अंदर और हमारे क्या है वर्ड कितने हैं, 7 वर्ड हैं. तो ये मैंने आपको बताया कि क्या है हमारे 26 कैसे हैं हमारे अल्फाबेट्स हैं, बट उनके फोनिम्स अलग अलग हैं. द रिटन इक्विवेलेंट साउंड ऑफ फोनिम्स ऑफ 26 लेटर इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफिक. जब हमारे इक्विवेलेंट साउंड है in a known as a graphemes, the English alphabet made the language such as a language. Not all words have the same grapheme or phonemes. मतलब सभी words को एक जैसा नहीं बोला जा सकता, ठीक है, सब अलग अलग है. Okay? So the table below illustrate क्या है table देखते हैं. जैसे manner, stop, voiceless, voiced, कई बार P बोल पाओगे, stop, बोल रहे हो आप, stop, word change हो जाएगा. ठीक है, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में बताए गए हैं. जैसे फेरिकेटिव, वॉइसलेस एंड वॉइस्ड, तो कौन सा है हमारा वॉइस्ड है फेरिकेटिव. ठीक है, कोई चीजें इसमें देखो आगे दे रखी है, कोई चीजें हमारी नेजल से बोली जाती है, नाक से बोली जा रही है, कोई नहीं बोली जा रही है, मतलब जिनको हम छोड़ देते हैं. मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं ना जिन्हें आप यूज ही नहीं करते हो, यूज मतलब आपको लिखित में तो है वो बट आप उसे यूज नहीं कर रहे हो. तो जैसे वोवल है, कई बार आई बोला जाएगा, कभी ई का साउंड करेगा, कभी ए ई आई का ही साउंड कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग. देन आते हैं हमारे स्टैंडर्ड लेक्सिकल सेट. इट इज यूजफुल टू कंसीडर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवल साउंड्स इन इंग्लिश थ्रू द आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड लेक्सिकल सेट इंट्रोड्यूस द लिंग्विस्टिक. अब किसने इंट्रोड्यूस किया था लिंग्विस्टिक्स, किसने, जॉन सी वेल्स 1982. वेल्स डिफाइंड वन लेक्सिकल सेट ऑफ बेसिस ऑफ देयर प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स इन द रेफरेंस एक्सेंट received pronunciation. मतलब जब आप बोलते हो तो उनके लेक्सिकल सेट की प्रोनाउंसिएशन कैसी है वो हमारी कहलाएगी received. एंड 5 vowels of alphabet A E I O, ये तो received है, ये हम सब मानते हैं. इसके बाद however there are many more ways of pronouncing the vowels that 5 sound A E I O U. इसके बाद A pronounced as a sometime A बोला जाता है bad, और कई बार बहुत stress out करके बोला जाता है ग्रास, तो कितना बड़ा बोला गया है ऐसे करके. ओके, जैसे हमारा वर्ड हो गया ग्रास, तो जिसमें हम क्या करते हैं ए को स्ट्रेस आउट करते हैं ग्रास. तो हमारे ये डिपेंड करते हैं कि कब हमारा शॉर्ट साउंड रहेगा और कब हमारा लॉन्ग साउंड रहेगा. इसके बाद है वेल क्लासिफाइड वोवल साउंड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इनटू 24 लेक्सिकल सेट बेस्ड ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वोवल्स विद इन द फर्स्ट स्ट्रेस लेबल ऑफ अ वर्ड. मैंने आपको दो लेबल्स बताए हैं,
कब आप शॉर्ट साउंड करोगे, कब आप लॉन्ग साउंड करोगे. इज लैक्सिकल सेट इज अ नेम्ड एज अ रिप्रेजेंटेड कीवर्ड. देखो फोनेमिक ड्रिल्स होता है जब आप बच्चे को बार बार प्रैक्टिस कराओगे कि आप इसको ऐसे बोलोगे. एक्टिविटीज करा सकते हैं, डिस्कस करा सकते हैं, इमोशंस यूज कर सकते हैं, या लाउड लाउड पढ़ा के आप करा सकते हैं, या कुछ ऐसे सेंटेंसेस आप ले लो जिसपे आप क्या कर पाओगे, स्ट्रेस आउट करा के उन शब्दों को बार बार सिखाएंगे. तो ये हमारे टेक्निक्स हैं जिससे हम क्या करा सकते हैं, सिलेबल बता सकते हैं. डिबेट्स कराओगे, कब आपको वॉल्यूम हाई रखनी है, कब टोन हाई रखनी है, कब आपको कंसाइज रहना है. स्पीचेस हम किसी रिसर्च टॉपिक पे रिफ्लेक्ट करके बच्चों को अपने पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स देने की कोशिश करें. इंटरव्यू करा सकते हैं, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन, रोल प्ले या ड्रामा करा सकते हो. रीडिंग डायलॉग एंड टेक्स्ट इन द क्लासरूम, हम सुनने के लिए टेक्स्ट को या डायलॉग को लिखवा सकते हो. प्रेजेंटेशन करा सकते हैं, बच्चों को इंक्रेज कर सकें कि विजुअल एड एंड अपने ऑडियो एड्स के साथ वो क्या कर सके, बच्चों के सामने किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट करे. कोई लेसन, 20 मिनट का कोई लेसन हो गया, या माइक्रो टीचिंग जैसे होती है वैसे लेसन दे सकें हम, बच्चे को उसका मीनिंग बताएं, उसकी नॉवेलिटी बताएं और यूसेज बताएं अगर हम शब्दों का, तो अभी आ जाएगा. अब हमारी नेक्स्ट आती है प्रोनंसिएशन. प्रोनंसिएशन क्या होता है, हाउ वी स्पोकन, वी आर गोइंग टू स्पोकन दैट वर्ड, दैट इज नोन एज आर प्रोनंसिएशन. तो किसी शब्द को आप कैसे बोलते हो वो हमारी प्रोनंसिएशन कहलाएगी. तो इसमें देखा होगा वी स्पेल्ड एज अ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है. देन आता है हमारा राइम. राइम एंड रिदम, देयर इज अ टू थिंग. पहले हम राइम की बात करेंगे. राइम इज अ कोरस्पोंडिंग ऑफ द साउंड बिटवीन द वर्ड्स, स्पेशली व्हेन दीज आर यूज्ड एट द एंड लाइंस ऑफ द पोएट्री. तो राइम क्या है, जब आपकी लास्ट वर्ड या लास्ट लाइन आ रही है हमारी पोएट्री का, तो वो हमारा साउंड जो है बिल्कुल सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल लाइट नाइट, हमारा लाइट हो गया, नाइट हो गया, राइट हो गया, ये हमारे सेम साउंड के हैं, तो ये राइमिंग वर्ड्स कहलाएंगे. जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार आर. तो मोस्ट कॉमन पोएम्स हैं जिसके अंदर राइमिंग होती है. मिडल लाइन में भी कुछ राइमिंग वर्ड मिल सकते हैं, बट एंडिंग लाइन में जरूर मिलेंगे. सो राइम इज अ कॉमन लिटरेरी डिवाइस जिसको हम बच्चे को सिमेट्री सिखाने के लिए वर्ड्स की, या प्लेजरेबल फील कराने के लिए हम राइम्स करा रहे होते हैं. एडगर एलन पोए का क्या कहना है, वंस अपॉन अ मिडनाइट ड्रेरी व्हाइल आई पाउंडर्ड अ वीक वंस अपॉन अ ओवर मैनी अ क्वेंट एंड क्यूरियस वॉल्यूम ऑफ फॉरगेटन लोरे. विच मीन्स क्या है, कई बार क्या होते हैं राइम, राइम में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, चीजों को वैसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, हमारी जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे जा रहे हैं. जैसे इसमें ड्रेरी जा रहा है और लॉरी जा रहा है, ओके. देन आई शैल आई कंपेयर द थ्री टू अ समरी डे, दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, रफ विंड्स टू शेक एंड डार्लिंग बर्ड्स टू मे. तो देखो जैसे डे, मे, ये एक से जा रहे हैं, ठीक है. जैसे टेम्परेट के साथ क्या जा रहा है, डेट जा रहा है, ओके. देन आता है चिल्ड्रन हु कैन नॉट इवन स्पीक अ लैंग्वेज, बट वो राइम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिंगल जिंगल बैल बोल सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. तो ऐसे राइम्स क्या करते हैं, बच्चों को वर्ड्स को अंडरस्टैंड कराने में हेल्प करते हैं. हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी ग्रेट हैड अ ग्रेट फॉल. तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं. देन आता है रिदम. रिदम क्या है, हमारा ऑडिबल पैटर्न होता है कि हम किसी शब्द को स्ट्रेस आउट करते हैं पोएम बनाने के लिए. असेंटुएटिंग, असेंटुएटिंग का मतलब होता है आपका बोलने का तरीका क्या है. जैसे कई बार हमारा वर्ड चेंज होता है बट हम उसे बोलते उस लय के अंदर है, तो वो हमारी रिदम कहलाती है. इलोंगेटिंग, कई बार हम शब्द को ना ऐसे खींच देते हैं, ला ला ला, ऐसे ऐसे जो ट्यून जा रही है ना वो इलोंगेट हो रही है. और कई बार हम शब्दों को ट्विस्ट करते हैं, अपनी जीभ मोल्ड करके और ट्विस्ट करके बोल देते हैं. तो जब भी आप सिंगिंग अ पोएम, तो कई बार हम चीजों को क्या कर रहे हैं, इलंगुएट कर रहे हैं, अपने एक्सेंट में बोल रहे हैं, तो वो भी हमारी क्या कहलाएंगी, रिदम कहलाएंगी. तो रिदम क्या हुई, जिसके अंदर जो हमारे वर्ड आ रहे हैं पोएम के अंदर, हम उन शब्दों को ऐसे यूज कर रहे हैं कि हमारी लास्ट लाइन जो है हमारी एक सी चली जाए. मतलब हम कई बार चीजों को खींच रहे हैं, कई बार चीजों को शॉर्टन अप कर रहे हैं और बीट्स यूज कर रहे हैं. तो राइम एंड रिदम क्या है, की एलिमेंट्स आपके पोएम के. और मेन डिफरेंस क्या है रिदम एंड राइम में, द राइम इज द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ वर्ड्स. हमारी जो राइम है वो शब्दों पर निर्भर करती है एंड उनके सिलेबल पे, और जो हमारी रिदम है वो आपके पैटर्न पे निर्भर करती है कि आपका पैटर्न ऑफ वर्ड क्या है, कब आपने स्ट्रेस्ड किया है, कब अनस्ट्रेस किया है, कब इलंगेट किया है, कब आप अल्टरनेटिव चूज कर रहे हो, रिदम में क्या कर रहे हो आप, कब पॉज कर रहे हो, तो ये आएंगे. तो हमारी राइम ज्यादा शब्दों से निर्भर है, हमारे सेम शब्द कैसे आ रहे हो, और हमारी रिदम निर्भर है कि हम उन एलिमेंट्स को यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है.
राइम एंड रिदम आर वेरी इंपॉर्टेंट, अपीलिंग करते हैं लिसनर कोई आपकी पोएम को अच्छे से सुन पाए. राइमिंग इज अ प्रैक्टिस टू चूजिंग द सिमिलर साउंड वर्ड एट द एंड ऑफ द अल्टरनेट लाइन ऑफ द पोएम. ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये शब्दों के लास्ट में जो शब्द आते हैं. रिदम ऑडिबल पैटर्न है, आप बोलते कैसे हो, कब पॉज कर रहे हो, कब स्ट्रेस कर रहे हो. इट इज ईजी टू स्पॉट राइम बाय कैचिंग द सिमिलर वर्ड, बहुत ही आसानी से आप कैच कर पाओगे, जबकि रिदम को कैच करना काफी मुश्किल है, आपको फ्लो पे चलना पड़ता है उसके. देन आती है इंटोनेशन एंड मॉड्यूलेशन. डिजायर्ड इफेक्ट इन द स्पीच कैन बी अकम्प्लिश थ्रू द वेरिएशन. मतलब आप इंटोनेशन एंड मॉड्यूलेशन क्या होता है, जब इंटोनेशन होता है कब आप लाउडनेस दे रहे हो, कब हाई पिच कर रहे हो, कब कंडेंस कर रहे हो सेंटेंसेस को, कब टिल्ट कर दिया अपनी वॉइस, ट्विस्ट कर दी है, तो हम कैसे बात कर रहे हैं वो हमारी इंटोनेशन एंड मॉड्यूलेशन कहलाएंगी. मॉड्यूलेशन हमारे वॉइसिस की तरह होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. So we can compare the speech of music. We don't need to be singing in English. However, we need to be speaking in a way that sound pleasant. हमें बोलना ऐसे है कि वो अच्छा लगे, कि आप intonation और modulation, punctuation कैसे लिख रहे हो, कैसे बात कर रहे हो. So in English we use a tone to express the emotion, surprise, query, request. जैसे हम कई बार ambiguities हैं तो हम बोल देते हैं हाँ, ठीक है. तो ये भी हमारे आस्किंग वर्ड्स ही कहलाएंगे. कई बार इनकरेक्ट प्रोनंसिएशन हो जाते हैं, मिस शेप कर देते हैं हम, मिस कम्युनिकेशन हो जाती है, तो इंटोनेशन मॉड्यूलेशन हमारी वर्बली कम्युनिकेशन को थोड़ा सा अपग्रेड कराने की कोशिश करते हैं. इसके बाद आते हैं हमारे पंचुएशन, फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क. देर आर द 14 पंचुएशन मार्क. कौन कौन से हमारे, कौन से क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे हमारे, एक्सक्लेमेशन है, कोमा है, सेमी कॉलन है, कॉलन है, डैश है, एंड डैश, एम डैश, वो भी बताऊंगी, हाइफन है, पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट है, ब्रेसेस है, एपोस्ट्रोफिया है, कोटेशन मार्क है, एंड इलिप्सिस है. ओके, सो द सेंटेंस एंडिंग 3 or 14 प्रोनंसिएशन मार्क्स आर अप्रोप्रिएट. उनका सबका अपना अपना यूसेज है. सो द पीरियड, द फुल स्टॉप इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट सेंटेंस, उनके पीछे लगता है. जैसे अ सेंटेंस एंडर, तो हमारा ये वाला कब लगेगा, जब हम सेंटेंस को एंड कर रहे हैं. जैक एंड जेन वेंट टू द मार्केट. आफ्टर एब्रीवेशन, एब्रीवेशन जैसे मिस्टर लगा दिया, ठीक है, तो ये हमारे एब्रीवेशन है. इसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क. ये तो बहुत आसान है कि जब आपको किसी से क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं. एक्सक्लेमेशन कब यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन जब आप अपनी फीलिंग्स को शो कर रहे हो, जॉय को शो कर रहे हो, सोरो को शो कर रहे हो, जैसे अलास हो गया, हुर्रे हो गया, ये हमारे कौन से वर्ड आ जाएगा, जैसे होली काओ, स्क्रीम्ड जेन, ये, ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा एक्सक्लेमेशन हो जाएगा. इसके बाद है कोमा. कोमा कब यूज होता है, जब हम किसी को सेपरेट करने के लिए एक एलिमेंट को यूज कर देते हैं तो हमारा कोमा कहलाता है. सेपरेटिंग एलिमेंट विद इन द सेंटेंसेस. सूजी वांट दैट ब्लैक, ग्रीन, ब्लू. देन आता है लेटर सैल्यूटेशन. जैसे डियर अंकल, आपने किसी को लेटर लिखा है तो उसके बाद हम कोमा लगा देते हैं. सेपरेशन ऑफ टू कंप्लीट सेंटेंसेस, हमारे वी वेंट टू द मूवी कंप्लीट सेंटेंसेस हैं तो इसको सेपरेट करने के लिए भी हम कोमा लगाते हैं. इसके बाद आता है सेमी कॉलन. देन इट इज यूज टू कनेक्ट द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. जब हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं उनको यूज करना है हमें साथ में, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, सेमी कॉलन कराएंगे. जॉन वॉज हर्ट, तो पूरा हमारा क्या है, फ्रेज की तरह ही हमारे क्लॉज हैं. एंड ही न्यू शी ओनली सैड इट टू अपसेट हिम, क्योंकि उसने ये सारी चीजें उसे अपसेट करने के लिए बोली है. अगर कॉलन की बात करूं, इट हैज द मेन यूसेज. फर्स्ट इज आफ्टर अ वर्ड इंट्रोडक्शन. कब होता है, जब आपको वर्ड इंट्रोडक्शन करना है, यस आएगा बेटा. या फिर आपको क्या करना है, किसी चीजों को किसी के द्वारा कही हुई बात कहनी है. जैसे अनामिका, अनामिका फिर मैंने ये लगा दिया कॉलन, उसके बाद शी इज अ गर्ल, अनामिका सैड, शी इज अ गर्ल. इसके बाद जैसे टाइमिंग दिखानी हो आपको, तब लगा दिया जाता है हमारा कॉलन. नेक्स्ट आता है डैश एंड हाइफन. टू काइंड्स ऑफ डैशेस आर देयर. एंड डैश इज अ सिंबल दैट इज यूज्ड इन द राइटिंग और प्रिंटिंग द कनेक्टिंग नंबर. जैसे 1880 से 1945, ठीक है, प्रिंसटन, ठीक है. देन आता है हाउएवर द एम डैश यूज टू मोर कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल यूज. द यूज ऑफ एम डैश इंडिकेट अ ब्रेक थ्रो इन द सेंटेंसेस. जब आपको सेंटेंस के अंदर ब्रेक दिखाना है तो हम एम डैश लगा देते हैं. या पैरा फ्रेजिंग, फ्रेजेस के अंदर दिखाना है, किसी चीज की एक्सप्लेनेशन देनी है तो हम दिखाते हैं. जैसे मैंने कोई भी सेंटेंस लिख दिया और मैंने उसे ऐसे सेपरेट करके आगे सेंटेंस यूज कर लिया है. जैसे मेटा और कॉग्निशन दिखाना है, ठीक है. देन आता है यूज इन द फॉलोइंग मैनर. द ओनली वॉन्टेड टू गेट टू बर्ड्स बाय द क्लैरिकल टॉक्ड इन द फोर प्रेग्नेंट पटीक. अ हाइफन इज द सेम सिंबल एज द एंड डैश की तरह है. हाउएवर इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द रूल. हाइफन इज यूज बिटवीन द पार्ट्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स. हमारे कंपाउंड वर्ड्स के बीच का पार्ट है. जैसे मैंने क्या लिखा, मिस्टर स्मिथ, फिर ये लगा दिया
रेनॉल्ड्स विद इन द कंपाउंड वर्ड, बैक टू बैक, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड वर्ड्स के अंदर यूज होने वाला हाइफन है. देन इसके बाद आते हैं ब्रैकेट ब्रेसेस एंड पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस क्या होते हैं, कर्व्ड नोटेशन है और फर्दर थॉट्स और क्वालिफाइंग मार्क करने के लिए होता है, या कुछ चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हम पैरेंथेसिस यूज कर लेते हैं. ब्रेसेस यूज टू कंटेन टू और मोर लाइंस, ऐसी लाइन हो जिसको आपको कंटेन करना है किसी एक के अंदर ही, तो हम किसी एक की यूनिट दिखाने के लिए ब्रेसेस यूज करते हैं. ब्रैकेट या स्क्वेयर्ड नोटेशन टेक्निकल एक्सप्लेनेशन के लिए होती है, जैसे कुछ टेक्निकल आपको बताना है 0, 3, 4, 5 ऐसे करके हमारे, तो उसके अंदर होती है. देन आते हैं अपोस्ट्रोफी, कोटेशन एंड मार्क्स एंड इलिप्स. अपोस्ट्रोफी की बात करूं तो यूज टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ वर्ड्स, जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं इजंट, यहाँ पे तो ये पूरा है ना, ये इसका इजंट. और प्लूरल चीजें दिखाने के लिए कई बार क्या लिख देते हैं, बुक. अब कोई क्वेश्चन पूछते हैं ये ऐसे लगा दिया जाता है कि बुक्स, ये भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक है. क्यू और क्यूज. कोटेशन मार्क की बात करूं तो ये तब यूज होता है, ये पंक्चुएशन तब यूज होती है जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, प्राइमली हम किसी मैसेज को, किसी पैसेज को किसी के द्वारा बताया हो कह रहे हैं, जैसे राम सैड दैट, उसमें ये जो भी बात होगी वो अंदर आ जाएगी. सिंगल कोटेशन यूज टू मोस्ट फ्रिक्वेंटली फॉर द कोट्स, जब कोट की बात आती है. एलिप्सिस मार्क जनरली रिप्रेजेंटेड द 3 डॉट, या तो ये होते हैं, ऑल दो ये वाले डेमोन्स्ट्रेशन भी होते हैं जब आपको क्या करना है, राइटिंग और प्रिंटिंग में कोई ओमिशन हो गई है और उसे नीचे लिख दिया जाता है तो ऐसे स्टार लगा दिया जाते हैं उसके ऊपर. ओके, ये ध्यान रखना, कोई ओमिट हो गई या अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, बट या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो भी उसके ऊपर ऐसे लगा दिया जाता है और स्टार की एक्सप्लेनेशन नीचे दे दी जाती है. इसके बाद आता है डिफरेंस इन ब्रिटिश वर्सेज अमेरिकन इंग्लिश. देख लेते हैं हम, दैट सिंबल, दिस इज अ फुल स्टॉप, और यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, दोनों में यही बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसे पॉइंट बोलते हैं, इसको ब्रैकेट बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश, इसे पैरेंथेसिस बोलती है, इसे सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट, इसे ब्रैकेट बोलते हैं. पोजिशन ऑफ कोटेशन मार्क, जैसे ये कोटेशन मार्क है और ये जॉय मीन्स हैप्पीनेस, और इसके अंदर कोटेशन मार्क हमारा ऐसे लग जाता है, ठीक है, स्टारी वाला. पंक्चुएशन मार्क, जैसे डॉक्टर, मिस्टर, ये वाले हमारे एब्रीवेशन में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, यहाँ पे कोमाज लग रहे हैं. इसके बाद आती है हमारी ओरल कम्युनिकेशन. अब तक आपको समझ ही आ गया होगा कि हमारा ओरल कम्युनिकेशन क्या है, जिसके अंदर आप अपने थॉट्स, अपनी इन्फॉर्मेशन को ओरली बोल के समझा रहे हो, तो आप उसकी हमारी क्या होगी, ओरल कम्युनिकेशन कहलाएगी. व्हेन यू आर शेयरिंग द आइडियाज बाय यूजिंग द ओरल वर्ड्स और वोकैबुलरी, सो इट इज अ काइंड ऑफ फेस टू फेस कन्वर्सेशन. टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो सकती है, डिस्कशन हो सकती है, मीटिंग हो सकती है, फॉर्मल है, बिजनेस मीटिंग को रिप्रेजेंट करता है, लेक्चर को रिप्रेजेंट करता है, कमेंसमेंट ऑफ स्पीचेस, मतलब ग्रेजुएशन सेरेमनी हो गई, या कुछ भी सेरेमनी है जिसके अंदर आपको कोई स्पीच देनी है, एज अ प्रिंसिपल आपको स्पीच देनी है, एज अ टीचर, एज अ गाइडर कोई स्पीच देनी है, तो भी ओरल कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी. और अब तो टेक्नोलॉजी की वजह से हम ओरल कम्युनिकेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, वीडियो फोन, ऑडियो फोन, इनमें भी हमारी ओरल कम्युनिकेशन यूज होती है, ऑडियो क्लिप्स आ गई हैं, वॉइस ओवर प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें भी हो सकता है, स्काइप पे भी हमारी VoIP हो सकती है. इम्पॉर्टेंस क्या है, लिटरेसी का पता चल जाएगा, ऑलमोस्ट हम सारे के सारे कार्य हमारे तो क्लासरूम में करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन से करते हैं. स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल इलेबोरेट कर पाएंगे, नॉलेज स्किल बढ़ेगी, और हाउ टू स्पीक, हाउ टू लिसन, ये भी बढ़ेगी. और हमें जब भी चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है एज अ टीचर, तो हम स्पीकिंग या लिसनिंग से ही सिखा सकते हैं. लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन बढ़ेगा, एक्सप्रेसिव ज़्यादा होंगे, वोकैबुलरी बढ़ेगी, फोनोलॉजिकल नॉलेज, मतलब कैसे आपको बोलना है वो साउंड की फोनोलॉजी है, मतलब आपको साउंड कैसे बोलना है. इसके बाद ग्रामेटिकल नॉलेज हो जाएगी, सोशल लैंग्वेज लर्न कर पाओगे, आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, स्टोरेज और रिट्राइवल कर पाओगे. स्टोरेज एंड रिट्राइवल का मतलब कब आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना है, कब आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखना है, एंड यू कैन गिव द अटेंशन एंड कंसेप्शन मोड्स. ओके, फर्स्ट है हमारा 1-to-1 स्पीकिंग विद द स्टूडेंट, जिसके अंदर आपका जो टीचर है वो कोई भी बात बता रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं. इसके बाद 5th and 6th है, तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि हमारे सेकेंड पॉइंट में क्या है. सेकेंड पॉइंट इज स्मॉल ग्रुप और टीम बेस्ड ओरल वर्क, जिसके अंदर आपको क्या करना है, आपको या तो स्मॉल ग्रुप होंगे या हमारा लार्ज ग्रुप होगा जिसमें आप क्या कर सकते हो, टीम बेस्ड वर्क करा सकते हो. थर्ड है हमारा फुल क्लास डिस्कशन, मतलब टीचर एंड स्टूडेंट डिपेंसी है, जिसके अंदर टीचर भी बात कर रहा है और हमारे स्टूडेंट्स भी बात कर रहे हैं. द फोर्थ वन है इन क्लास डिबेट्स, या तो डिबेट करा रहे हो आप या डेलिब्रेशंस करा रहे हैं. डेलिब्रेशन में क्या है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, चीजें एक्सप्लेन हो रही है, तो ये हमारे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट थे. इसके बाद है हमारा 5th पॉइंट,
देर इज सम मिस्टेक स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर बच्चे स्पीच दे रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, एंड इसके बाद ओरल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर बच्चा क्या कर रहा है, दूसरों को एग्जामिन कर रहा है कि किस रेंज तक वो बोल सकते हैं. ओरल एग्जाम्स होते हैं, उन पे भी डिपेंड करता है, और क्विजेस वगैरह भी इसी के अंदर होते हैं. सो ये था हमारा ओरल कम्युनिकेशन के बारे में. सो वी कैन कंक्लूड दैट कि इस चैप्टर में, इस यूनिट में हमने क्या जाना कि हमने पहले तो लिसनिंग के बारे में जाना, स्पीकिंग के बारे में जाना, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, कैसे हम इन्हें डिस्कस कर सकते हैं, क्या कॉम्पिटेंसी लेवल होगा बच्चों का, और कैसे आप चीज़ों को इलेबरेट कर पाओगे. सो वी कैन कंक्लूड दैट कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स आपकी दोनों तभी इनहेंस होगी व्हेन यू आर डूइंग द वेरी मच इफेक्टिवली. आप अटेंशन पे करोगे एंड आप चीज़ों पे फोकस्ड अप रहोगे तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा सकते हैं और रिकोगनाइज कर सकते हैं और क्रिएट भी खुद से कर सकते हैं. सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक. आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, एंड अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हैं तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताएं कि हाँ मैम हमें ये चीज़ें समझ आ गई हैं. और 26 को आपका एग्जाम है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर डूइंग द कमेंटिंग एंड लाइकिंग तो इट विल ऑल्सो मोटिवेट मी कि मैं आगे की यूनिट्स भी लेके आऊँ. सो कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स. बाय बाय, टेक केयर.